दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन होगा ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा प्रेडिक्टिव टेक्स्ट का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये प्रेडिक्टिव टेक्स्ट होता क्या है। अगर हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो हमारे फ़ोन में क्या चेंज होता है, अगर ऑफ़ करते हैं तो क्या चेंज होता है। तो चलिए मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आपको किसी बंदे के पास मैसेज करना है या टेक्स्ट करना है, तो आप कोई बात लिख रहे हैं या कोई बात आप लिख कर भेजना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि आई एम ए, इतना ही लिखा। लिखने के बाद देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है यूज बिग वेरी, मतलब कि आई एम ए के बाद क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आई एम ए यूज, आई एम ए बिग, आई एम ए वेरी। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको लिखना है कि आई एम ए बिग, तो यहाँ पर आप बिग सेलेक्ट कर लीजिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरत है कि यहाँ पर वेरी लिखना है, तो यहाँ पर वेरी ये सजेस्ट कर देता है। तो इससे आपको क्या प्रॉफिट होता है कि आपको लिखना नहीं पड़ता है। अगर आप इस थ्री बिंदी पर क्लिक करेंगे ना, तो और भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आई एम ए, अगर आपको फ़ैन लिखना है कि आई एम ए फ़ैन, मैं एक फ़ैन हूँ, आई एम ए गुड, मैं अच्छा हूँ, आई एम ए ग्रेट, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको सजेस्ट करता है। किसकी वजह से करता है? वो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट की वजह से करता है। उस बटन को अगर आप अपने फ़ोन में ऑन करके रखे होंगे, तभी जाकर ये सारे चीज़ें आपको सजेस्ट करता है। मान के चलिए कि आप इस ऑप्शन को यहाँ से बंद कर देते हैं, ये जो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको यहाँ से अगर बंद कर देते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिखिएगा ना। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर लिखिएगा आई एम ए, तो यहाँ पर आई एम ए लिख देंगे, तो यहाँ पर कुछ भी आपको सजेस्ट करने का नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा आई एम ए वेरी या आई एम ए बिग, आई एम ए फैन, आई एम ए गुड, यहाँ पर कुछ भी सजेस्ट करके नहीं आएगा। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, तो वो प्रेडिक्टिव जो टेक्स्ट होता है ना, उसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि अगर आप कोई ऐसा लाइन लिख रहे हैं जो उससे रिलेट करता है, उस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सजेस्ट कर देता है, ताकि आपको टाइमिंग में कम समय लगे, आप जल्दी जल्दी से मैसेज कर सकें, जल्दी जल्दी से आप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि अगर उस बटन को अगर आप ऑन करके रखते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये प्रेडिक्टिव टेक्स्ट मिलेगा कहाँ पे? अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो वो सेटिंग के अंदर, कौन से सेटिंग के अंदर वो रहता है, चलिए वो भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। कट करने के बाद मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। मान लीजिए कि आपका फ़ोन का होम स्क्रीन हो गया। अब यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर खोजेंगे सेटिंग कहाँ पर है, तो सेटिंग का एप्लीकेशन यहाँ पर है, तो आप इस पर टैप करेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। अब आपको करना क्या है, आपको नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जनरल मैनेजमेंट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाता है प्रेडिक्टिव टेक्स्ट वाला। तो मैंने यहाँ पर इसको बंद करके रखा है, तो ये भी यहाँ पर क्या हुआ है, बंद हो गया, ये भी काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि इस बटन को अगर आप बंद कर देंगे ना, तो ये इस पर आप कुछ भी टैप कीजिएगा तो ये काम ही नहीं करेगा। देखिए टैप कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और जैसे हम इस बटन को यहाँ पर दबा देंगे, ऑन कर देंगे, तो ये भी हाईलाइट हो जाता है, ये भी काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको प्रेडिक्टिव टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, और ये जो ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑन करते हैं, तो आप लोगों ने देख लिया वीडियो में कि उससे क्या फ़ायदा होता है।